अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद हलीम। एक नजर हेडलाइंस पर। वाकेंड के कब्रिस्तान से तीन अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों का हदफ सरकारी इमारतें थी। एबटाबाद ऑपरेशन पर किताब क्यों लिखी, पेंटागन साबिक नेवी सील पर नाराज। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई से आगाह कर दिया। कराची के इलाके खारादर में शदीद फायरिंग से दुकानें बंद, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। रेंजर्स एहलकार का कातिल गिरफ्तार। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर देवर ने भाभी और भतीजी को कत्ल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में तीन अफराद बेरीना दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। एतजाज एहसन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सुई सुकाम को हरगिज खत नहीं लिखेगी, कोई दरमियानी रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। हारूनाबाद में सरकारी एराजी पर कब्जे के इल्जाम में पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली शौकत बसरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारतीय वजीर आजम ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वजीर खारजा एस एम कृष्णा 7 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लाहौर और मंडी बहाउद्दीन में बारिश से मौसम हसीन हो गया। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी लेडी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज होगा। किंगरूस को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आप देख रहे थे हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।